इलस्ट्रेटर सीसी 2015 में हम चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे थे जो है ड्राइंग लाइन। इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है डुप्लीकेटिंग एंड एक्सटेंडेड, जो कि एक अपडेटेड वीडियो है यूजिंग द मूव कमांड एंड इंट्रोडक्शन टू द साइक्लिस टूल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम दो लाइंस को डुप्लीकेट करते हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं। इसके लिए हमारे पास, हम सबसे पहले ड्रैग करेंगे इन पॉइंट्स को या इनमें से किसी सेगमेंट को। हमने इसको दोनों को सिलेक्ट कर लिया है ब्लैक पॉइंटर के ज़रिए, और इसे सिलेक्ट करने के बाद हम 45 डिग्री से पिक करेंगे शिफ्ट एंड ड्रैग करके। ये हम ड्रैग कर रहे हैं को, हम करने के लिए इस तरह हम इसे रिलीज़ और शॉर्ट करेंगे तो हमारे पास अलाइन डुप्लीकेट लाइंस आ जाएंगी। ऑब्जेक्ट को दोबारा हम एज इट इज़ सेम थिंग बनाने के लिए हम इसके लिए क्लोज ऑब्जेक्ट मेन्यू पे जाएंगे और ट्रांसफॉर्म करेंगे ट्रांसफॉर्म अगेन। जैसे हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे या कंट्रोल डी करेंगे तो वो उसे हमारे पास डुप्लीकेशन प्रोवाइड करेगा। हम लास्ट डुप्लीकेशन को अगेन डुप्लीकेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगी। फिर इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए हम जिस तरह हमने ये एक लाइन डिज़ाइन की है, इसी तरह हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए जिसे ए के थ्रू भी हम शॉर्टकट के थ्रू भी हम उसे सिलेक्ट करने के बाद इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये हमारे पास जो रेड जो हमारे पास ये स्मोक साइन है इसको बनाएंगे। ये हमारे पास डुप्लीकेशन हमने की थी लास्ट वीडियो में। हम देखेंगे कि किस तरह हम मूव करते हैं अपनी मूव कमांड के ज़रिए अपनी उस जो लाइन हमने बनाई थी। इसके लिए हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म के अंदर मूव कमांड के अंदर जिसे शिफ्ट कंट्रोल एम के ज़रिए भी हम मूव कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है जो कि मूव डायलॉग बता रहा है कि हमने इसे किधर मूव करना है। हमने जैसे ही इसे मूव किया तो वो ऑटोमेटिकली वो लाइन मूव हो गई। हम लोगों ने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ के थ्रू इसे यूज़ करना है। सबसे पहले हम इन्हें 0-0 कर देते हैं। अगर नेगेटिव 100 करते हैं तो इधर मूव करेगा, इसी तरह हम अगर करेंगे तो वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे। फिर ये हमारे पास इसके बाद कुछ एंगल्स आ जाएंगे। अगर हमने डुप्लीकेशन करनी है तो हमारे पास ओके कॉपी करके और उसकी ही कॉपी वो क्रिएट कर देगा। इसे मूव करके अगेन मूव डायलॉग में आएंगे और वहाँ से हम उसे वैल्यू प्रोवाइड करेंगे जो उनसी हमने इसे देनी है। इसके बाद हमारे पास दोबारा वही प्रोसीजर है जिसको हम मूव करके और इस तरह हम उसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करेंगे। वीडियो में हम सीजर की के ज़रिए देखेंगे कि किस तरह हम लाइंस को कट करते हैं। जैसे हमने एग्जैक्टली उसी तरह हमने कट करना है जो कि हमने किस तरह हमने लाइंस को सेटिंग करनी है। इसमें कि सबसे पहले हम जो कि मूव कर रहे हैं, जो कि अपनी हमारे पास जो हमने उसी की कॉपी को हम कॉपी बनाएंगे जो कि हमारे पास रूफ़ के ऊपर से पास होगी। ये सीजर स्टूल है और सीजर स्टूल के ज़रिए हम जिसे सी हमारे प्रेस करके एक शॉर्टकट है उसके ज़रिए हम इसे इस पॉइंट के ऊपर आके इसे कट भी कर सकते हैं। क्लिक करके हम एक रेड कलर का वो बन जाएगा जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो पॉइंट में अगर वी की प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास रिमूव हो जाएगा, या बैक स्पेस की के ज़रिए हम इसे रिमूव कर देंगे। ए करेंगे तो हमारे पास दोबारा वो पॉइंट आ जाएगा जहाँ से हमने सीजर एक्शन परफॉर्म किया था। ये हमारे पास जिस तरह ये हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं उसी तरह जिस तरह हम लास्ट टाइम हमने किया था मूव कमांड के ज़रिए। इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह हम सीजर के ज़रिए सीजर टूल के ज़रिए हम एडिट करते हैं या उनकी सेटिंग करते हैं जिस तरह हमने ये किया।